आज इस वीडियो में हम वीआई ग्राफ के बारे में जरा देखेंगे क्या कि वीआई ग्राफ क्या है और जो वी है वो आई के साथ कैसा लिंक में है, वो दोनों कैसे आपस में रिलेटेड है। ओके तो फिर देखो हमने तो ओम्स लॉ के बारे में पिछले दोनों वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ओके तो फिर ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला वो क्या है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखो हमने क्या किया, एक वायर लिया कॉपर का एक वायर है और यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसमें हमने दिया मान लो टू वोल्ट। ओके जब हमने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल एनर्जी दिया, तब क्या हुआ, जो आई था वो था 1 एम्पियर। जब हमने वैसे ही 4 वोल्ट दिया तब आई आया 2 एम्पियर। ठीक वैसे जब हमने 6 दिया तब आया 3 एम्पियर एंड जब हमने 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तब आया 4 एम्पियर। मतलब ये जो ग्राफ था ये कुछ ऐसे बन रहा था। ओके एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था, ये था कॉपर का। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है हमने यहां पर क्या देखा, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो फिर R क्या होगा, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। तो फिर यहां पर जो V बाई आई है वो क्या होगा, 2/1। तो फिर यहां पर जो R है वो आया 2 ohms। देखो यहां पर पहले यहां ये सिचुएशन में जो V है वो है 2 वोल्ट और जो I है वो है 1 एम्पियर और जो R है वो है 2 ohms। फिर सेकेंड सिचुएशन में भी सेम R सेम ही रुका है, बस V एंड I चेंज हो रहे हैं। थर्ड सिचुएशन में, थर्ड केस में भी V चेंज हो रहा है एंड I चेंज हो रहा है, बट जो R है देखो वो कांस्टेंट ही है, 2 ohms ही है एंड फोर्थ सिचुएशन में भी वो 2 ohms ही है। तो फिर इससे हमें क्या पता चला, जो R है वो वोल्टेज या फिर करंट के वजह से चेंज नहीं होता है। वो किसके वजह से चेंज होता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये वाला देखो, ये अगर है, ये था कॉपर का और ये है आयरन का। ओके तो फिर इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो अलग है एंड इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन अलग है। ये डिफरेंट मटेरियल है, ये भी डिफरेंट मटेरियल से है, अलग मटेरियल से उसका। अब देखो यहां पर क्या है, ये भी 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। ये करंट है, ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर 8, 6, 4 एंड 2। अब देखो ये ओरिजिन है, ओके 0, 0। तो फिर अब देखो यहां पर जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है। देखो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब देखो पहले सिचुएशन में क्या है, जब 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा था तब जो वोल्टेज था, पोटेंशियल डिफरेंस था, वो था 2 वोल्ट का। तो फिर यहां पर जो है रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा 2/0.5 भी आ जाएगा 4 ohms। तो फिर सेकेंड सिचुएशन में क्या है, आई जो है वो 1 है और जो वी है देखो वो है 4। ओके तो फिर R क्या होगा, R इज इक्वल्स टू वी बाई आई। तो फिर वी है 4 एंड आई है 1, तो फिर यहां पर भी 4 ohms। तो फिर यहां पर भी सभी जगह पर जो R है वो आ रहा है 4 और यहां पर जो भी R जो कांस्टेंट है वो आ रहा है 2 ohms। देखो तो सभी सिचुएशन में यहां पर 4 ohms ही आ रहा है और यहां पर सभी सिचुएशन में 2 ohms ही आ रहा है। तो फिर कॉपर के लिए हम जो रेजिस्टेंस है वो हम यूज कर लेंगे 2 और यहां पर जो आयरन के लिए हम यूज करते हैं 4। अब देखो दोनों का आर में पता चल गया है और अगर हम दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्रिएट करेंगे तो फिर बता सकते हैं कि किसमें करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके।
और अगर आपने अभी ट्राई कर लिया है तो फिर हम अभी आंसर देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया, इसका जो आर है ये कॉपर के लिए है, ओके कॉपर, आर जो है वो है 2 ohms, तो फिर आर की वजह से, आर की वजह मैं यहाँ पर 2 ohm लिख लेता हूँ। और टू, और देखो हमें क्या फाइंड करना है, आई किसमें ज्यादा है, तो फिर आई आर इज इक्वल्स टू बी, मतलब आर इंटू आई इज इक्वल्स टू बी, और दोनों में भी जो है वो कॉन्स्टेंट है, दोनों में भी जो है वो कॉन्स्टेंट है, मान लो वो है 8, ओके 8 volt, तो फिर भी जो है यहाँ पर 8 volt है, और जो रेजिस्टेंस है इसका ये है 2 ohms, और जो आई है ये हमें पता नहीं है। अब देखते हैं आयरन में क्या होता है, आयरन में जो आर है वो है 4 ohms, और मल्टीप्लाई आई तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है ये वोल्टेज जो है यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 8 volt। अब देखो यहाँ पर आई कितना आता है, आई इज इक्वल टू इधर बाय 2 कर लेंगे और इधर भी बाय 2 कर लेंगे, तो फिर 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 8/2 बन जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू 4, तो फिर आई हो गया 4 amperes। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, तो फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 8/4 विच इज इक्वल टू 2, तो फिर आई हो गया 2 एम्पियर। अब देखो यहां से तुम्हें क्या पता चला, देखो जब जब जो रेजिस्टेंस था, जो ओम्स था, अगर वो कम था, देखो यहां पर कम था इसलिए जो करंट था वो ज्यादा हुआ, एंड यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है इसलिए जो करंट है वो कम हो गया, ओके। तो फिर हमें यहां से ये पता चल सकता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/करंट से, 1/करंट, ओके प्रोपोर्शनल होता है 1/करंट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो फिर करंट जो है वो घटेगा, ओके यहां से हमें ये पता चल सकता है। और देखो यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है और जिनमें अगर हम ये VI ग्राफ निकालेंगे तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होने के वजह से क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है उस वायर में या फिर उस एलिमेंट के मेटल सब्सटेंस में, क्या होता है जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही रहता है। अगर हम सभी वैसे सभी एलिमेंट का, अगर उसी एलिमेंट का सभी देखो अगर एक कॉपर का वायर ऐसा है और एक कॉपर का वायर ऐसा है, मतलब इसका जो लेंथ है ये सेम है, इसका भी लेंथ सेम है, अगर इसका एरिया अगर डिफरेंट है और इसका एरिया डिफरेंट है तो फिर इन दोनों में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अलग आएगा। अगर तुम ऐसे ले जाओगे, एरिया सेम लोगे बट अलग अलग लेंथ में ले जाओगे तब भी ये अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा। अगर तुम दोनों में सेम लेंथ एंड सेम एरिया का एक ही एलिमेंट का वायर लेते हो तो फिर उन दोनों में सेम रेजिस्टेंस आएगा। ऐसा कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं और ऐसा जो एलिमेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, ओके। ऐसा जो भी एलिमेंट होता है अगर उनका उसी एलिमेंट का 2 वायर लेंगे और उनका अगर लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होगा तो फिर उन दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ऐसे जो एलिमेंट होता है उन्हें हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, एग्जांपल से सभी मेटल्स, ओके सभी मेटल्स जो है वो ओमिक कंडक्टर होते हैं। और कुछ एलिमेंट क्या होता है जिनका VI ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, जैसे देखो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी ऐसे उबड़ खाबड़ जिगजैग लाइन ऐसे भी आता है, और वो सब होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल जो है वो है सेमीकंडक्टर्स, और जो एलईडी लाइट होता है ना, एलईडी लाइट जो होता है जो अभी सब यूज करते हैं वो भी एक नॉन ओमिक कंडक्टर ही होता है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, VI ग्राफ का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।